मैं गायक लायन राज बहादुर पटेल टैलेंट नगरी चैनल के माध्यम से नीरज भैया के देखरेख में एक कजरी चौलर का प्रसंग आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और जो प्यार दुलार हमको पहले मिला था, उम्मीद है कि वही प्यार दुलार उससे ज़्यादा अब मुझको मिलेगा। लेकिन मास्टर लाइन में बा कंचनपुर नगरिया के राजा अंग ध्वज जेकर रानी चंद्र प्रभा थी सैनियाना। कंचनपुर नगरी के दस्तान बा बाबू, जेकर राजा रहले अंग ध्वज उनकरे दुल्हन के नाम चंद्र प्रभा बतावल गई। लेकिन कभी को आंत्रा में लिखना पड़ा बाबू, खास अंग ध्वज द्वारे ब्राह्मण एक आया ज्ञानी तू को खत्म ही पाल को समाया ज्ञानी तू को समाया कहे ज्ञानिया ए भैया ज्ञानी ज्ञानी तू को खत्म ही पाल को समाया खास अंग ध्वज द्वारे ब्राह्मण एक आया ज्ञानी दुगो खत महिपाल को थमाया घाती अरी आवे द्वारे सेवा था लिखाया चाव से जे जागे सारी रात फल पाया। ऐसा दरबार लगल बा अंग ध्वज महाराज का, तौने समय एक ब्राह्मण का पदार्पण भयल, दरबार खचाखच भरल बा। राजा साहब बड़े आदर के साथ ब्राह्मण के बैठौलन, कहलन आदेश द महाराज, अपने थैली से दूठे खत निकाल के उ ब्राह्मण राजा के थमोलेस, ल राजा ई तोहरे आवे वाले समय में काम दे। का काम दे मास्टर? ओ खत में लिखल रहल, पहल की खत में लिखल रहल कि चाव से जे जागे सारी रात फल पाया। राजा साहब सोचलन कि यही खतवा का अनुकरण कैला कि आखिरकार एकर मतलब का हो। जब जौने समय राजा साहब जागत जागत कुछ दिना बीतल तक भयल का मास्टर टेरी में कभी को लिखना पड़ा। कहे छाना ए भैया छाना छाना ई है राजा या जमावला दे बतिया सारी सारी नीसा जागे I'm
जमावे लागे बतिया सारी सारी निशा जागे गेनियाना। पहल की खत में लिखल रहल कि अगर दुश्मन दरवाजे पर आई जा था तो के ऊंचा कुर्सी दिहल जाए। और दूसर की खत में लिखल रहल कि सारी रात जागला ओकर फल पावला। तो दूसर की खत का अनुकरण राजा साहब कैलन, सारी सारी रात जागत हैं लेकिन एक दिन आप भैल का मास्टर कवि को अंतरा में लिखना पड़ा। जगत है जगत बाबू बीतल कुछ दिनवा, अरे धर दृग से नीर रोवे बुढ़िया मैनावा। जगत है जगत बाबू बीतल कुछ दिनवा, झरे दृक्ष से नीर रोवे बुढ़िया मयनवा। तप महिपाल गैला बुढ़िया के समनवा, ठीक से बतावा माई रोवे ककरनवा। 15 दिन के बाद राजा साहब जागत जागत हम हताश हो जाता है। 16वें दिन का दास्तान मिलल बाबू कि राजा साहब जागत हैं अपने नगर के चारों तरफ से भ्रमण करते हैं। एक जगह देखत का है पेड़ के छाया में एक बुढ़िया। जब बुढ़िया मतारी रोवत बा राजा साहब के कान में आवाज गल, तुरंत बुढ़िया के रास्ते जाए के पास में जाए के आवाज देते हैं मास्टर। जाने समय आवाज देते हैं तो टेरी में कवि को लिखना पड़ा। बुढ़िया तू देखा है अपन कमवा, कहे बदे सब परसनियाना। क्योंकि राजा साहब भेस बदले रहलन, बुढ़िया मतारी के पास जाए के पूछत हन, माई बता तो के कौने बात का कष्ट हो। बुढ़िया डांट के कहे जा अपन तू काम देखा, हमारे फेर में मत पड़ा। आखिरकार हठी राजा साहब बुढ़िया पहचान ना पौले राजा साहब के। तब कहत कहन मास्टर हट करें बुढ़िया मतारी से आंध्रा में कभी को लिखना पड़ा। कह ढंग से न काबू माई जब से बवाल हो, अरे तब से न जाब हम बोले मई पाल हो। ढंग से न कबू माई कौनो बवाल हो, तब से न जाब हम बोले महिपाल हो। थाई थाई बुढ़िया कहली सारा हाल हो, दूसरे से कहब लाल सुन के बवाल हो। कहे बेटवा ते हटे फाने है तो के बतावत है कि ई बात हम तो से बतावत है लेकिन क्यों से कहे मत। कहबे तब होई का मास्टर कभी टेरी में लिखना पड़ा बुढ़िया बतावत। पत्थर होई जाई तोर पर।
धोखा खाइबे लाल कबे दूसरे से कहनिया पत्थर हो जाई तोर बदनिया ना। कटवा अगर ई बात हम तुसे बतावत है दूसरे से कबे तो तोर शरीर पत्थरे खो जाई। बुढ़िया माई ना जान पाता कि ये राजा साहब है, लेकिन आंत्रा में कभी को लिखना पड़ा मास्टर। बुढ़िया माई करली बिलाप हो, अरे पुत्र काल 10 बजे रात का ताप हो। कहे बेटवा बाबू नैन पोछ बुढ़िया माई करली बिलाप हो, पुत्र रात 10 बजे काल एक सांप हो। हन काढ़े आई दे भूपति के चाप हो, बदला दूसरे जन्म का चुकाई अपने आप हो। राजा साहब जब इतना बतिया सुन लेन तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। है राजा कोई पानी पानी और हम माने काल हमार प्राण हतिया। राजा साहब सोचलन कि माई तय का कहत है। कहे बेटवा सत्य बात हो, लेकिन राजा साहब पूछलन माई सांप कहाँ से आई। बुढ़िया मतारी तेरी में बता था मास्टर कभी को लिखना पड़ा। दक्षिण हो भरवा वही ढीक से आई सरपसनिया ना। कहे कि बेटवा राजा साहब पूछलन माई सांप कहाँ से आई, कैसे काटी राजा साहब के। राजा साहब सोचन कि पूछ ले आखिरकार कुछ सेवा लाए हो, बतौलन कि दुश्मन के ऊंचा कुर्सी देवे। पहले खत का जवाब मिल गया, दूसर के खत का लिखल हल कि ऊंचा कुर्सी दुश्मन के देवे के चाहिए। राजा साहब पूछलन माई सांप कहाँ से आई, बुढ़िया बतौले बेटा तो जौन नगर है कंचनपुर यही के दक्षिण और पिपड़े का वृक्ष है वही ठेन से सर्प चली। तो बुढ़िया फिर अंतराम बता था मास्टर बाबा। मन मोर बेचैन यही से रोई लाल ललनवा, अरे यही सन धर्माधारी भूबा हो मन मोर बेचैन यही से रोई लाल ललनवा, ऐसा धर्मधारी भूप हो जाइए सपनवा। राजा पूछे दूसरे जन्म का दस्तनवा, लगली बतावे बुढ़िया सरजू लिखे गनवा। कहलन माई एक प्रश्न और हम तुसे जाने चाहत है, राजा साहब दूसरे जन्म में कौन गलती कहलन कि या सांप या जन्म में बदला लेते हो। जने समय बुढ़िया नैन पोंछ के राजा साहब के दूसरे जन्म का दस्तान बतावा था बाबू, वह समय राजा साहब बैठ के बड़े शांति से सुनत हैं। अगला भाग अगले पार्ट में कभी मंच पर मौका मिली तो आप लोगन के जरूर हम बता दे। इन खानदान का परिचय हो मास्टर कैसे।